नोमेरिकल एट अ फोर मीटर लॉन्ग यूनिफॉर्म लेडर विद वेट ऑफ वन ट्वेंटी न्यूटन लीन्स अगेंस्ट अ वॉल मेकिंग सेवेंटी डिग्री अब सीमेंट फ्लोर एज शोन इन फिगर फ्लोर है वॉल है और ये लेडर है जो कि सेवेंटी डिग्री का एंगल बना रही है एज्यूमिंग द वॉल फ्रिक्शन लेस यानी कि जितनी फोर्स यहाँ से पड़ रही है वॉल के ऊपर लेडर की उतनी ही वॉल से इधर रिटर्न पड़ रही है फ्रिक्शन लेस का मतलब यह है कि कोई इसका दूसरा कंपोनेंट नहीं है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। जबकि दूसरी तरफ कहा जा रहा है बट द फ्लोर इज नॉट यानी फ्लोर क्या है फ्रिक्शन लेस नहीं है इसकी फ्रिक्शन है इसकी वजह से जो यहाँ पे इस तरह से फोर्स लग रही होगी और इस तरफ से भी अगर इस तरफ ना लग रही होती यानी राइट साइड पे ना लग रही होती तो ये लेटर यहाँ से स्लिप करके इस तरफ चला जाता ठीक है डिटर्मिन द फोर्स एग्जर्टेड ऑन द लेडर बाय द फ्लोर एंड द वॉल के फ्लोर क्या फोर्स एग्जर्ट कर रहा है इस तरह और वॉल यूं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या एग्जर्ट कर रही है फोर्स तो गिवन क्या है हमारे पास पास लेंथ लेडर की मैंने फोर मीटर की हमारी लेंथ है वेट ऑफ लेटर जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है वन ट्वेंटी न्यूटन ये सेंटर में मैंने क्यों लगाया है क्योंकि यूनिफाम लेटर लगाया है यूनिफॉर्म जो भी चीज़ होगी उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल सेंटर में आएगा फिर एंगल ऑफ लेटर थीटा सेवेंटी डिग्री है फोर्स एग्जैटेड ऑन लेटर बाय वॉल एफ डब्ल्यू का कहा गया है कि वो मालूम करें और फोर्स एग्जेटेड ऑन लेडर बाय फ्लोर ये एफ जी जो इस तरह एंगल पे लग रही है ये क्या है एफ जी मालूम करने के लिए इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट में स्प्लिट करना होगा ये एक की पॉइंट है जो कि याद रखना है सोल्यूशन की तरफ जाने से पहले पहले मैं थोड़ा सा आपको टॉर्क एक्सप्लेन कर दूँ कि वो क्या होता है इस पिक्चर को देखें टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस ये फोर्स लग रही है और ये पिवट पॉइंट है टॉर्क होता है फोर्स और पिवट पॉइंट के बीच में जो फोर्स है और डिस्टेंस लेकिन डिस्टेंस कौन सा यहाँ से लेकर पिवट तक या यहाँ से तो पॉइंट है कि फोर्स जो वर्टिकल लग रही है और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला मैर करना होता है एक दूसरी डायग्राम से समझाता हूँ अब ये आप देख रहे हैं पिवेट पॉइंट है और फोर्स लग रही है इधर एंगल पे अब क्या करना है अब इस फोर्स को वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में स्प्लिट किया जाएगा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करेगा वो इसको टॉर्क नहीं दे सकता जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो इसको यूँ काउंटर क्लाक रोटेट कराएगा तो ये क्या इसकी वैल्यू होगी जिस तरह ये एफ़ है तो एफ़ साइन थीटा इसकी वैल्यू होगी जो कि मिसाल के तौर पे इस तरफ यहाँ पे आ जाती होती है अब सीधा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्सेस। इसकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस को देखें एफ डब्ल्यू वेट एफ जी एक्स और एफ जी वाई ये टोटल चार फोर्सेस हैं तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन ऑफ़ इक्विलिब्रियम अप्लाई करते हैं जो कि है सम ऑफ़ ऑल द फोर्सेस इज़ इक्वल टू जीरो यानी सम ऑफ़ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस और सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो या फिर इसको यूं भी हम लोग कह सकते हैं सम ऑफ़ हॉरिजॉन्टल ऑरिजॉनटल इज इक्वल टू जीरो या सम ऑफ़ वर्टिकल फोर्सेज इज इक्वल टू ज़ीरो अब हॉरिजॉन्टल फोर्सेज इज इक्वल टू ज़ीरो इसका क्या मतलब हुआ एफ जी एक्स ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है ये पॉजिटिव एक्स एक्सेस की डायरेक्शन में तो इसका पॉजिटिव वैल्यू रख दिया गया और ये एफ डब्ल्यू नेगेटिव डायरेक्शन में है तो एफ जी एक्स पॉजिटिव माइनस एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो इससे क्या हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं एफ जी एक्स इज इक्वल टू एफ डब्ल्यू एफ जी एक्स इज इक्वल टू एफ डब्ल्यू नेक्स्ट सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेज इज इक्वल टू जीरो तो कौन कौन सी हैं एक ये है और एक ये है तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है एफ़ी वाई चूँकि पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है ऊपर की तरफ तो वो पॉजिटिव लेंगे और ये वेट डाउनवर्ड है तो वाई एक्स इस पर नेगेटिव डायरेक्शन में आ रही है नीचे की तरफ आ रही है तो ये माइनस ले लेंगे एफ जी वाई माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो यानी एफ जी वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू और डब्ल्यू की वैल्यू क्या है वन ट्वेंटी अब यहाँ से देखें हमें एफ़ जी एक्स और एफ जी वाई की दो इक्वेशन मिल गई हैं और एफ जी वाई की वैल्यू है वन ट्वेंटी न्यूटन तो इनको हम लोग ऊपर ले जाते हैं ये आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन जो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है उससे ये दो वैल्यूज आ गई अब हम चलते हैं सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की तरफ और वो क्या है सम ऑफ ऑल द एंटी क्लॉक वाइज स्टॉक्स इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द क्लॉक वाइज स्टॉक एंटी क्लॉक वाइज स्टॉक्स और क्लॉक वाइज स्टॉक्स जब भी हम लोग लगाना हो तो सबसे पहले हम लोगों ने पिवट लगाना होता है कहीं ना कहीं पे तो इस पॉइंट को पिवट ले लेते ले हैं और पिवट के ऊपर जो फोर्सेज एक्ट कर रही होती हैं वो बीच में काउंट नहीं की जाती यानी ये वाली फोर्स और ये वाली फ़ोर्स काउंट नहीं की जाएंगी तो ये फोर्स रहेगी पीछे और ये फोर्स रहेगी ये दो फोर्सेस काउंट की जाएंगी तो अब हम देखते हैं कि एंटी क्लाक वाइज स्टॉक इसकी वजह से है एफ डब्ल्यू की वजह से ये यूं करके मूव कराएगा इसको और क्लॉक वाइज स्टॉक इस फोर्स की वजह से वेट की वजह से ये इसको इस तरफ मूव कराने की कोशिश करेगा तो एंटी क्लाक वाइज स्टॉक की वैल्यू हम लोगों ने निकालनी होगी तो वो कैसे निकालेंगे फोर्स मल्टीप्लाई बाय वर्टिकल डिस्टेंस यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ठीक है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका कितना होगा वो यहाँ से भी मयर कर सकते हैं और यहाँ से भी मैयर कर सकते हैं तो हम लोग यहाँ से मयर करते हैं यहाँ से मयर करना इजी होता है क्यों क्योंकि हमारे पास लेटर की लेंथ मालूम है तो हम लोग साइन थीटा लगा के इसकी हाइट मालूम कर लेंगे अब अगर इसको हटा दूँ और यहाँ से आपको थोड़ा सा ट्राइंगल की शक्ल नज़र आ रही हो तो आपको ज़्यादा अच्छे से कैलकुलेशन आएगी साथ ही मैं ये भी बता दूँ कि वेट की भी हम लोगों ने जो टॉर्क मयर करना है वो वेट मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस ठीक है तो ये भी आप देखें एक छोटा ट्राइंगल बन के ये एक बड़ा ट्राइंगल है यू करके और ये एक छोटा ट्राइंगल है अब देखें ये बड़े ट्राइंगल की तरफ आएँ और इसको हम लोग यहाँ पे स्मॉल स्केल पे बना लेते हैं तो ये लेंथ क्या है फोर ये एंगल कितना है सेवेंटी डिग्री तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी फोर साइन सेवेंटी ठीक है तो ये कितनी होगी हाइट फोर साइन सेवनटी तो अभी फोर्स एफ डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय फोर साइन सेवनटी ये इसका टॉर्क होगा दूसरी तरफ आए इस वेट वाले इस ट्राइंगल की तरफ तो ये आ जाता है लेंथ इसकी आ जाती है ये वाली टू मीटर क्योंकि टोटल है फोर मीटर तो ये लेंथ आ जाती है टू मीटर अब इसको भी छोटे स्केल पे ड्रा कर लेते हैं तो ये हमें क्या चाहिए बेस चाहिए अब क्योंकि इस वेट ने इस लेंथ के ऊपर जाना है टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए वेट मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस तो ये वाला डिस्टेंस कितना है? ये हो जाएगा लेंथ कॉस थीटा यानी टू कोस सेवेंटी तो ये टू कॉस 70 है अब आ जाते हैं हम इसकी वैल्यूज को पुट करने के लिए तो टी एफ डब्ल्यू टू फोर्स इंटू डिस्टेंस ये फोर्स एफ डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस फोर साइन सेवनटी और टी डब्ल्यू की वैल्यू क्या आएगी वेट मल्टीप्लाई बाय टू कॉस सेवेंटी वेट मल्टीप्लाई बाय टू कॉस सेवेंटी अब फोर के साथ साइन 70 की वैल्यू है पॉइंट नाइन थ्री नाइन वेट की वैल्यू हमने लिख दी वन ट्वेंटी कॉस सेवेंटी की वैल्यू लिख दी है पॉइंट थ्री फोर टू अब इसको फर्दर सॉल्व करें फोर मट्टीप्लाई पॉइंट नाइन थ्री नाइन आ गया थ्री पॉइंट सेवन फाइव सिक्स इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो एटी टू पॉइंट जीरो एट यहाँ से हम एफ डब्ल्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं और वो आ जाती है टू हंड्रेड एंड सॉरी ट्टी वन पॉइंट एट न्यूटन तो यहाँ पे हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया एफ डब्ल्यू की वैल्यू आई है दूसरी हमें क्या चाहिए एफ जी की वैल्यू सेकंड पार्ट है एफ जी की वैल्यू और चूंकि हमारे पास दो कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं जब भी तो हम इस फार्मूले से यूज़ करते हैं एफ जी इक्वल टू एफ जी एक्स का स्क्र प्लस एफ जी वाई का स्क्यर स्क्वेयर रूट इसको पाइथागोरस थ्योरम भी कहा जाता है अब आप देखें एफ जी एक्स की वैल्यू आपके पास मौजूद है हाँ मौजूद है एफ जी एक्स इक्वल टू एफ डब्ल्यू एफ डब्ल्यू हमने अभी भी तो निकाला है और एफ जी वाई की वैल्यू इज इक्वल टू वेट इज इक्वल टू वन ट्वेंटी न्यूटन जो फर्स्ट कंडीशन ऑफ़ इक्विलिब्रियम से निकली थी इन दोनों वैल्यूज़ को बारी बारी इसमें पुटअप करते हैं तो एफ जी एक्स की वैल्यू डाली ट्वेंटी वन पॉइंट एट का स्क्वायर एफ जी वाई की वन ट्वेंटी का स्क्वेयर स्क्वेयर को ओपन किया तो ट्वेंटी वन पॉइंट एट के स्क्वायर से बन गया फोर सेवेंटी फाइव पॉइंट टू फोर और वन ट्वेंटी के स्क्वेयर से बन गया वन हंड्रेड एंड फोर्टी फोर हंड्रेड इन दोनों को ऐड किया तो वैल्यू आ गई वन फोर एट सेवन पॉइंट वन फोर एट सेवन फाइव पॉइंट टू फोर इसका स्क्वेयर रूट लिया तो एफ जी की वैल्यू आ गई वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी टू न्यूटन अल्लाम स्टूडेंट्स अगर आप चाहते हैं कि आपके टीचर ये वीडियोस बनाना कंटिन्यू रखें तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके हौसला अफजाई किया करें